ट्रांसफर पोस्टिंग जो उत्तर प्रदेश में बदनामी का कारण था, इससे उतनी ही दूरी बनानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 का पहला बजट सत्र होने जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विधायकों को संबोधित किया। विधायकों को उन्होंने हिदायत दी कि ठेके, पट्टेदार और ट्रांसफर पोस्टिंग से दूर रहें। सीएम ने कहा कि उतावलापन, उद्दंडता, ठेके पट्टे और ट्रांसफर पोस्टिंग से अनुराग और हर एक मामले में हस्तक्षेप करने की आदत इंसान को नीचे लुढ़का देती है। सार्वजनिक जीवन में याद रखना, व्यक्ति का धैर्य, शालीनता और उसका धैर्य हमेशा उसको आगे बढ़ाता है। उसका उतावलापन, उसका ठेके पट्टे के प्रति अनुराग, उसका हर एक मामले में हस्तक्षेप करना हमेशा उसके पतन की ओर लेके जाता है। हमने देखा है, जितने उदंडता करने वाले लोग थे, संसद में ही मैं देखता था और विधानसभा में मैंने पिछली बार देखा, वो सब लुढ़कते चले गए। सबकी छुट्टी जनता जनार्दन करती गई, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ जिन लोगों ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, जनता ने उनको हाथों हाथ लिया। सीएम ने आगे कहा कि यदि प्रदेश में जातिवाद की राजनीति होती तो वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना लगातार 9वीं बार और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना 8वीं बार चुनाव कैसे जीतते। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में राजनीति को आड़े नहीं आने देना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति सच है तो सुरेश खन्ना 9वीं बार कैसे विधायक बन गए। इनके तो जाति का 1000 वोट भी शाहजहांपुर में नहीं है। हमारे स्पीकर 8वीं बार विधायक बने हैं, इनके तो जाति का वोट नहीं है, लेकिन फिर भी बन रहे हैं। जन अपेक्षाओं पर कसना, अपने आप को तैयार करना और फिर उसके अनुरूप, जन भावनाओं के अनुरूप विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना। कि विकास कार्यों में हमें राजनीति को आड़े नहीं आने देना चाहिए। अगर विकास कार्य आपकी विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, आपको उसे हाथों हाथ लेना चाहिए। अब हाथों हाथ लीजिए उसको, आपको उन कार्यक्रमों में जाना चाहिए, जनता को लाभ हो। आपका उद्देश्य भी और हमारा उद्देश्य भी एक ही है कि जनता का हित होना चाहिए, जनता को इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई देना चाहिए। और अगर आप उन विकास की योजनाओं के साथ जुड़ करके जनता के बीच में जाते हैं तो उसका श्रेय तो आपको मिलना है, उसका श्रेय बीजेपी को या बीजेपी के सहयोगी दलों को थोड़े मिलना है। विधायकों को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के चक्कर में ना पड़ने की सलाह देते हुए कहा कि इससे जनता के बीच आपकी छवि खराब होगी। उन्होंने विधायकों को ठेके पट्टे से दूर रहकर जनता की सेवा में जुटने की नसीहत दी। ये भी कहा कि अब से विधायकों के कामों की मेरिट भी तैयार होगी। ठेके पट्टे या किसी भी इस प्रकार के, उससे अपने आप को दूर करना पड़ेगा। ट्रांसफर पोस्टिंग जो उत्तर प्रदेश में बदनामी का कारण था, इससे उतनी ही दूरी बनानी पड़ेगी। मेरिट के आधार पर कार्य हो, इसके बारे में अधिकाधिक जोर देने की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा और एक आदर्श जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी एक छवि को प्रस्तुत करना पड़ेगा। सीएम ने बताया कि हर साल हम आदर्श विधायक चुनेंगे, आदर्श विधायकों को सम्मानित किया जाएगा। शुक्रवार, शनिवार और रविवार फील्ड में रहें, जनता से मिलें, उनकी समस्याएं सुनें और उनका निस्तारण करें। साथ ही उन्होंने विधायकों को हिदायत दी कि ताकत का दुरुपयोग नहीं करना है, गलत काम को तुरंत रोकना होगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में ई विधानसभा तैयार हुई है, इसे लेकर सीएम ने विधायकों को तकनीकी युग से रूबरू कराया। इसके साथ ही इस पंचवर्षीय विधायकों को अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए कहा।